नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश के देश या विदेश में जितने भी मंदिर हैं वहां उनकी गजमुखी प्रतिमाएं ही प्राण प्रतिष्ठित हैं, परंतु देश में एकमात्र ऐसा मंदिर भी है जहां पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा गजमुखी नहीं बल्कि नरमुखी है। आइए आपको बताएं कि यह मंदिर देश में कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है इंसान के चेहरे में श्री गणेश? दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कुटनूर स्थित आदि विनायक मंदिर में भगवान श्री गणेश के गजमुख स्वरूप की प्रतिमा के स्थान पर नरमुख वाली प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित है। यह मंदिर भारत का इकलौता मंदिर है। इंसान के मुख वाली प्रतिमा होने के कारण यहां पर भगवान गणेश जी के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए अधिक संख्या में भक्त पहुँचते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम ने की थी पूर्वजों की शांति के लिए पूजा। आदि विनायक भगवान श्री गणेश जी के इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि यहाँ पर लोग अपने पितरों की शांति कराने के लिए पूजन करने आते हैं। यहाँ मान्यता है कि इसी जगह पर ही भगवान श्री राम ने भी अपने पूर्वजों की शांति के लिए पूजा अर्चना की थी, जिस परंपरा के चलते आज भी बड़ी संख्या में भक्त अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की थी। इस मंदिर को तिल तर्पणपुरी भी कहा जाता है। आमतौर पर पितृदोष के लिए नदियों के किनारे तर्पण की विधि की जाती है, लेकिन इस मंदिर की खूबी के कारण इस जगह का नाम ही तिल तर्पणपुरी पड़ गया है। इस स्थान को तिल तर्पणपुरी कहने के पीछे भी एक कारण माना गया है। तिल तर्पणपुरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तिल तर्पण का अर्थ होता है पूर्वजों को समर्पित और पुरी का अर्थ होता है शहर, यानी कि पूर्वजों को समर्पित शहर। मंदिर में भगवान शिव भी हैं विराजमान। आदिविनायक मंदिर के मध्य में देवों के देव भगवान शिव का भी एक मंदिर विद्यमान है। शिव मंदिर के बाहर निकलते ही भगवान गणेश के नरमुखी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। सरस्वती मंदिर के लिए प्रसिद्ध है यह धाम। भगवान गणेश व भगवान शिव के दर्शन करने के बाद भक्त माता सरस्वती मंदिर में दर्शन किए बिना नहीं जाते हैं। इस सरस्वती मंदिर का निर्माण कवि ओट कुठार ने करवाया था। सो दोस्तों, यह थी भगवान श्री गणेश जी को समर्पित देश के एकमात्र ऐसे मंदिर से जुड़ी जानकारी जहां पर भगवान श्री गणेश जी गजमुखी नहीं बल्कि नरमुखी रूप में विराजमान हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।